गुड मॉर्निंग, हम लोग घूम रहे हैं गढ़वाल और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? टिहरी डैम। तो आज हम लेके जाएंगे आपको टिहरी डैम, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। और इसका वर्ल्ड में कौन सा नंबर है? 8th नंबर। हाँ, तो ये डैम इतना बड़ा है कि वर्ल्ड के 8वें नंबर का डैम है। इस वीडियो को पूरी देखना है आपने तो आपको पता चल पाएगा हिस्ट्री इसकी कि उत्तराखंड में इतना बड़ा डैम कहाँ पर है, ठीक है। तो मिलते हैं। होने को है और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर टिहरी डैम। तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये है टिहरी डैम। तो ये जो पूरा चौड़ा एरिया पीछे का दिख रहा है, यहाँ पर कभी टिहरी शहर हुआ करता था। जो पुरानी टिहरी है वो यहाँ पर डूब चुका है शहर, जिसमें क्लॉक टावर भी था, राजा का महल भी था और बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। तो मैं अभी आपको पास लेके जाऊंगा इस डैम के और फिर दिखाऊंगा कि टिहरी डैम जो है वो दिखता कैसा है। दोस्तों, जो ये टिहरी डैम आपको दिख रहा है ये बना हुआ है दो नदियों पर। तो उत्तराखंड की जो मेन नदियां हैं, दो नदियां, एक तो है भागीरथी और दूसरा है भिलंगाना नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर ये बना है डैम। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भागीरथी आती है ये उत्तरकाशी ज़िले से आती है और जो भिलंगाना नदी आ रही है टिहरी ज़िले में ही निकलती है, घनसाली से ही आती है। तो काफ़ी लंबा एरिया है इस डैम का, मतलब अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये घनसाली से लेके चिन्याली सौण तक फैला हुआ है। तो अराउंड, मैंने कभी ख्याल तो नहीं किया लेकिन 55 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया कवर करता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डैम यहाँ पर पहाड़ों पर बना हुआ है। तो दोस्तों, टिहरी डैम की अगर हम बात करते हैं तो इसने अपने आप में अलग ही रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊँचा और बड़ा डैम है। इसकी जो ऊँचाई है वो 261 मीटर की है, जो कि इसको विश्व में 5वें नंबर पे सबसे ऊंचा डैम इसको यहाँ पे बनाती है। दोस्तों, पहाड़ में इतना बड़ा डैम बनाया जाना था तो इसकी रूपरेखा तो 1972 में तैयार हो गई थी, लेकिन जो इसका काम शुरू हुआ वो 1978 में हुआ। और काफ़ी कुछ परेशानियाँ यहाँ पर आई क्योंकि पहाड़ के बीच इतने बड़े डैम को बनाए जाने में काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आ रही थी, तो इसको जो पूरा होने में काफ़ी टाइम लगा और 2006 में यहाँ पर ये काम पूरा हुआ है। तो टिहरी डैम की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका यूज जो होता है वो सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ सालों से यहाँ पर टिहरी में जो है वाटर गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होता है, तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए और बिल्कुल इस डैम का अच्छे से लुत्फ़ उठाइए, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ पर। तो जब भी हम पहाड़ में इतने बड़े डैम को देखते हैं तो एक डर ज़रूर सबके मन में रहता है कि अगर ये टूट गया तो क्या होगा। तो यही जब हम यहाँ पे घूम रहे थे हमें भी ऐसा लग रहा था कि पहाड़ पे इतना ज़्यादा पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है और भविष्य में ऐसा ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो क्या होगा इसका असर। तो दोस्तों, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज हुआ है इस डैम को बनाने में। और आप देख रहे हैं ये जो 3 गेट यहाँ पर बने हुए हैं और सामने की तरफ ये 2 गेट, तो जब भी इसमें पानी का लेवल ज़्यादा होता है, खतरे के निशान से ऊपर होता है, तो ये गेट यहाँ पर खोल दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक आपको ये टनल दिख रही है, ये क्या है? एक सुरंग है। तो पानी जो ही इस सुरंग के ऊपर आता है तो ये अपने आप ही पानी उसमें चला जाता है और ये टनल बहुत दूर पहाड़ों से होके सीधे गंगा नदी में निकलती है। तो ये अपने आप में मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला डैम है। तो ये थोड़ा सा डर कम है कि ये टूटेगा या पानी भर के ऐसा कुछ होगा। तो टिहरी डैम को यहाँ पर बनाया गया है कि ये जो है 8.5 रिएक्टर तक का भूकंप यहाँ पर झेल सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर आता है तो ये भी अपने आप में एक विनाश लीला ला सकता है। इस टिहरी डैम में जो है पुरानी टिहरी, पूरा शहर और काफ़ी सारे गाँव इसमें डूब चुके हैं और उनको जो यहाँ पे गांव डूबे थे उनको दूसरी जगह यहाँ पे माइग्रेट किया गया है। तो उसके लिए यहाँ पे नई टिहरी शहर बसाया गया और कुछ लोगों को देहरादून और ऋषिकेश में यहाँ पे जगहें दी है,
दूसरा, इस डैम का जो है यहाँ पर केवल उत्तराखंड के लिए ही इस डैम का यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, बल्कि देश के कई राज्यों को यहाँ से ये डैम रोशन कर रहा है। तो दिल्ली यूपी तक यहाँ पर इस डैम का जो है पेयजल और सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, टिहरी डैम को रूस की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो इस डैम को यहाँ पर रॉक फिल किया गया है, और रॉक फिल का मतलब है कि जो टिहरी डैम है इसकी दीवार को पूरी तरह से पत्थर और मिट्टी से भरकर यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं, दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कोटेश्वर डैम, और मेरे ठीक पीछे जो है कोटेश्वर डैम है, और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये डैम किस तरह से यहां से दिखता है हाइट से। तो ये जो डैम दिखाई दे रहा है ये है कोटेश्वर डैम, जो कि टिहरी डैम का ही एक पार्ट है। भागीरथी नदी पर बना हुआ है और बिल्कुल टिहरी डैम के नीचे ही ये डैम बना हुआ है। तो टिहरी डैम की जो 3 इकाइयाँ हैं उनमें ये आता है। तो टिहरी डैम की जो पहली इकाई है वो टिहरी डैम है, जिसमें 1000 मेगावाट का जो है उत्पादन किया जाता है, और दूसरा जो 400 मेगावाट वाला है वो ये कोटेश्वर डैम है, और तीसरा जो 1000 मेगावाट का टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना है जो अभी भी यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जर्नी अब यहाँ पर एंड हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं बैक टू होम। तो कैसा लगा आपको घूम के हमारे साथ इस बार गढ़वाल में घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप तो खैर गढ़वाल से ही हैं, आप तो बहुत अच्छा बोलेंगे ही। बाकी हेमंत और कल्पना, आपको कैसा लगा? आप इतनी जगह घूमे हैं, धारी देवी गए, टिहरी डैम गए, यहाँ की हिस्ट्री आपने जानी, तो कैसा लगा आपको इधर? आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको भी वीडियो देख के शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आपको भी आना चाहिए। आपको बिल्कुल, आपका वेलकम है, आप कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो को प्लीज पूरी वॉच कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं हम आपको कहाँ लेके जाते हैं, ये मुझे भी नहीं पता कि हम अब आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं आपको हम ट्रैवल करवा रहे होंगे। ओके, थैंक यू। अपनी नगरी में बगवाली पोखर, और हमारी गढ़वाल की जो जर्नी है यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसा लगा आप लोगों को गढ़वाल का ट्रिप? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हमने आपको देखो अच्छा। कितनी वीडियोज इस बार गढ़वाल की दिखाई है, आई होप कि आपको सारी वीडियोज पसंद आई होंगी, और अब देखते हैं आगे हम आपको कहाँ घुमाते हैं। जल्दी हम आपको अपडेट दे रहे होंगे कि हम कहाँ घूमने वाले हैं। तो अभी जो टाइम है कल्पना और हेमंत से विदा लेने का है, और इसके बाद हम मिल रहे होंगे कब, अगले ट्रिप में। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और कुछ कहना है आपको? हाँ जी, हाँ जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आवाज़ आई है इनकी कि हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरती मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस शेयर कर देना, शेयर जरूर कीजिए, बिल्कुल। तो मिलते हैं जल्दी।